लखनऊ में एक नजदीकी मैच में हार के बाद अब करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम का कारवां रांची पहुंच गया है। वहीं पहले मैच में जीत का झंडा गाड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम ये मुकाबला जीत कर सीरीज अपने नाम करने की फिराक में होगी। ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई दोनों के लिए ही वनडे में अपना डेब्यू किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। भारतीय टॉप ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण और केशव महाराज के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आया। ऐसे में हो सकता है कि इस मैच में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले रजत पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिल जाए, क्योंकि रजत तेज और स्पिन गेंदबाजी दोनों को अच्छा खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ड्वेन प्रिटोरियस अंगूठे की चोट के चलते न सिर्फ इस सीरीज से बल्कि टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी कमी बबूमा की टीम को काफी खलेगी। पर इस मैच में दक्षिण अफ्रीका उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगा जिसने उन्हें पहले एक दिवसीय मैच में जीत दिलाई थी। टॉप ऑर्डर के जल्दी पवेलियन लौट जाने के बाद संजू सैमसन ने 86 रनों की नाबाद पारी खेलकर हारी हुई बाजी लगभग जीत ही ली थी। सैमसन जब बल्लेबाजी के लिए आए तब भारत 51 रन पर 4 विकेट गंवाकर गहरे संकट में था। इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपने विकेट को बचाए रखते हुए शुरुआत तो धीमी की, पर आखिरी के ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। दूसरा शतक संजू सैमसन का। सैमसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के चलते अक्सर आलोचनाओं का शिकार हुए हैं, और शायद इसी के चलते उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन इन सब निराशाओं को पीछे छोड़ते हुए सैमसन ने अपने घरेलू सरजमीन पर जो अपना पहला अर्धशतक लगाया, उसके चलते वो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजों की एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा वहुमा ने वनडे में इस साल जनवरी में ही भारत के खिलाफ अपना अंतिम शतक लगाया था, पर उसके बाद से उनके बल्ले ने चुप्पी सी साध ली है। पिछली 6 पारियों में 3 बार तो वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। इस दौरान 37 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम में क्विंटन डीकॉक, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर जैसे बड़े शॉट खेलने में माहिर खिलाड़ियों की भरमार है। ऐसे में बबूमा को जल्द से जल्द अपने बल्ले की खामोशी को गर्जना में बदलना होगा। तो क्या इस मैच में वो ऐसा कर पाएंगे, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शार्दुल ठाकुर ने पहले एक दिवसीय मैच में गेंद और बल्ले दोनों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने मलान और बबूमा दोनों को पवेलियन की राह दिखाई, फिर सैमसन के साथ 93 रनों की एक अहम साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीद जगाई। गेंदबाजी में 4.37 की उनकी इकोनॉमी रेट भारतीय गेंदबाजों में सबसे बेहतर थी। मजेदार बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ठाकुर ने दक्षिण अफ्रीका के सामने अपना जलवा दिखाया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शार्दुल का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के सामने ही आया है। ऐसे में वो भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लखनऊ में टीम इंडिया जीत के करीब पहुंचकर भी बहुत दूर रह गई, और इसकी एक बड़ी वजह उनकी खराब फील्डिंग भी रही, जहां उन्होंने कई कैच टपकाए। वहीं पहले मैच में जीत का तिलक लगाने के बाद दक्षिण अफ्रीका का जोश काफी हाई होगा, पर तबरेज शमसी को अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा। तो क्या युवा भारतीय टीम पलटवार कर पाएगी या दक्षिण अफ्रीका सीरीज अपनी झोली में डाल लेगा, जानने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस रविवार को दोपहर 12:30 बजे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।